हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी आर विद आवर न्यू एंड फ्रेश लेक्चर एंड डिटेल लेक्चर अबाउट रेस्पिरेशन फाउंड इन ह्यूमंस। तो अब बात करते हैं डिटेल में उन फोर पॉइंट्स के बारे में जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। सबसे पहला पॉइंट था हमारा पाथ विच कनेक्ट्स एक्सटर्नल एयर टू लंग्स। तो वो कौन सा पाथ होता है, हम लोग सब ईजिली इसको देख सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा नोज, नेसल पैसेज, थ्रोट, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। ओके, तो यहाँ से लेके यानी कि नोज से लेकर के ब्रोंकाई तक का जो पाथ है वही हमारा फर्स्ट पॉइंट का है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिटेल में आता है पाथ विच कनेक्ट एक्सटर्नल एयर टू लंग्स, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाथ है उसने कनेक्ट किया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लंग्स से, एयर को वो यहाँ से लंग्स तक पूरा सप्लाई करेगा। अब एक चीज़ हमें देख सकते हैं कि नोज और माउथ इन दोनों को डिवाइड करता है पैलेट, यानी नोज और माउथ के बीच में एक पैलेट, अंदर की साइड एक पैलेट होता है जिसे हम हिंदी में तलवा भी कहते हैं, उसे बोलते हैं पैलेट। तो ये माउथ को और नोज को डिवाइड करता है। ओके, इसको डिवाइड करता है दोनों को। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विच इज लंग्स। तो लंग्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी एक एक करके पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है नेसल पैसेज। तो नेसल पैसेज में क्या होता है कि एयर सबसे पहले एंटर करेगी नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल जो नोज की जो हमारे जो दो नॉस्ट्रिल में, इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ओके, तो यहाँ से जो है एयर एंटर करेगी नोज के अंदर एंड फिर ये बॉडी में जाएगी और उसके बाद थ्रॉट रीजन में जाएगी यानी गले में, देन ट्रेकिया में जाएगी विंड पाइप में, विंड पाइप से होती हुई ये ब्रोंकाई में जाएगी और इस तरह से ये एक पाथ कंप्लीट करेगी लंग्स तक का। तो जो एयर बॉडी में एंटर हुई है नोज या नॉस्ट्रिल के थ्रू, वो कभी कभी माउथ के थ्रू भी, हम कई लोग कई बार हम माउथ के थ्रू भी सांस ले लेते हैं। अगर किसी ने मान लीजिए नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर दिया तो क्या करेंगे, आपका माउथ जो है वो ओपन हो जाता है फॉर अपटेकिंग ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड। तो इस तरह से जो है दोनों तरह से एयर को हम कनेक्ट ले सकते हैं। एंड सेकेंड, नेसल पैसेज क्या होता है या नेसल कैविटी, वो फाइन हेयर्स के थ्रू अंदर की तरफ फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं, जो भी पॉल्यूटेन डस्ट पार्टिकल है उसको, ताकि वो अंदर की तरफ हमारी बॉडी के अंदर ना आ पाए, इनहेल्ड एयर में ना जा पाए। तो इसीलिए फाइन एयर्स प्रेजेंट होते हैं थ्रॉट रीजन में। थ्रॉट रीजन जो है वो माउथ और नेसल कैविटी के को का जो पीछे का पार्ट होता है वो वहाँ पर होता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया तक पहुँचने के लिए हमें ज़रूरत होती है फेरिंग्स और लैरिंग्स की। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज जो भी हम आवाज़ें निकालते हैं या बोलते हैं तो वो किसकी हेल्प से बोलते हैं, वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स की हेल्प से यहाँ तक एयर आती है। तो उसके बाद वो ट्रैकिया में जाएगी। इट इज़ बेटर ब्रीद थ्रू नोज बिकॉज यूनिक फीचर जो है नेसल पैसेज का वो ये होता है कि एयर जो है वार्म होती है, फिल्टर हो जाती है और मॉइस्ट हो जाती है। इसलिए ये बेटर है कि आप मुंह से सांस ना लेकर के नोज से ही, नॉस्ट्रल के थ्रू ही सांस लें। देन ट्रेकिया की बात करते हैं, तो जो ट्रेकिया होता है वो पॉपुलरली उसे हम विंड पाइप कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक बेसिक जो बाहर की जो एयर है उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए उसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज विंड पाइप। और इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं जो कि हमने देखा था कल, वो इसको ओपन करके रखती हैं, कोलैप्स नहीं होने देती। और इसी वजह से जो कार्टिलेजेस रिंग है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं,
और एयर मान लीजिए एयर के प्रेशर की वजह से ताकि जो अपना ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो सके। कोलैप्स मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि एक पाइप में जब हम एयर को डालते हैं फिर वो एक वैक्यूम मान लो कभी क्रिएट हो जाता है एयर के एब्सेंस में, तो वो जो पाइप है वो कोलैप्स हो जाता है। इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से हो जाता है कोलैप्स। तो उसे बचने के लिए हमारी ट्रेकिया में रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। अब अपर साइड जो होता है ट्रेकिया का, वहाँ पे हम लोग जानते हैं वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। तो जो भी एयर के थ्रू हम रिली, कई बार आपने देखा होगा कुछ शब्द हम एयर के थ्रू भी, एयर रिलीज होती है उसके थ्रू भी हमारे कुछ वर्ड्स निकलते हैं हमारे माउथ से। तो वॉइस बॉक्स और ट्रेकिया का यही रिलेशन है। ठीक है, तो ये जो हमने पॉइंट्स देखे वो थे फर्स्ट पॉइंट के अंदर, अ पाथ विच कनेक्ट्स एक्सटर्नल एयर टू लंग्स। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे अबाउट लंग्स। और उससे पहले थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि जो ब्रोंकाई होता है वो क्या करता है, ट्रेकिया जो है फर्दर ब्रोंकाई तक पहुंचाता है एयर को, और जो कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे दो लेफ्ट और राइट साइड में ब्रोंकाई होते हैं, पहले ब्रोंकस में जाएगा देन वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स के अंदर काफ़ी सारे स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो इस तरह से हमारी एयर जो है वो रन करती है माउथ टू लंग। सो यहाँ तक हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं, बाकी का देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय लर्निंग।